हरियाणा एट टाइम पीएम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। नकलोई गांव के ग्रामीणों ने दी एसडीएम को शिकायत। एसडीएम ने की जांच शुरू, दोनों पक्षों के बयान किए दर्ज। नकलोई गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम डॉक्टर अनमोल को शिकायत दी है कि गांव में जो राशन डिपो होल्डर है अपनी मनमानी करता है और समय पर राशन कभी भी उपलब्ध नहीं कराता, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बहुत बार उन्हें दूसरे गांव में जाकर राशन लाना पड़ता है। एसडीएम कार्यालय में मौके पर पहुंचे डिपो होल्डर व अन्य ग्रामीणों ने कहा कि गांव में नियमित रूप से राशन वितरित हो रहा है। पंचायती चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह की झूठी शिकायतें प्रस्तुत की जा रही हैं। डिपो होल्डर जोगेंद्र ने कहा कि उनके पास पूरा रिकॉर्ड है जिन उपभोक्ताओं को उन्होंने राशन वितरित किया है। एसडीएम डॉक्टर अनमोल ने कहा कि इस मामले की पूरी जाँच करवाई जाएगी, दोनों पक्षों को सुना गया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा मामले की जांच कराई जा रही है, अगर कोई दोषी मिलता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं बता दूंगा, एक बार आप एक बंदे को सामने ले आओ, उसका रिकॉर्ड मैं बता दूंगा आपको। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपके खिलाफ ये शिकायत है। जी मैम, हमारे खिलाफ है। तेल तो बढ़ता गाँव में, चीनी तो बढ़ता गाँव में, बिल्कुल उसका भी बताऊंगी। आप अपनी इसका राशन कार्ड निकालिए, इनमें से बुला किसी को, किसी को बुलाओ, ये येलो चुनी ये जो बैठी है पूरे एक ही शिकायत है। हमारी शिकायत जनाब ये है, जैसे आज कोटा बटने लगा है, कल जाते लेने के लिए, कल कहते हैं कोटा खत्म होगा जी, उसके बाद कहते हैं कैसे खत्म हो गया, बोला बोलते हैं खत्म है, नाज मेरे को टाइम पे मिलता नहीं है, अगर खत्म हो जाता कहते चलो भाई रंग दबा लगाते तेरे को, या फिर यहाँ से ले आएंगे, सिरी से ले आएंगे, कहीं से दबा के ले आएंगे। हम उसकी मोटर से बैठते हैं, हमारे घरवाले बैठते हैं, हमारे बच्चे बैठते हैं, जब जाके हमारे को वहाँ से दबाता है जी वो, तो हम छोड़ जाएंगे, अपने कोटे से छोड़ के वहाँ जाएंगे। अगर ऑनलाइन लेना है तो हम कहीं भी ले सकते हैं जी, हम गाँव में क्यों आएंगे लेने, फिर हम परेशान करेंगे। हम हमारे बच्चों को सुल्ट बोलते हैं, घरवाली सिक्योरिटी बोलती है, बोलती है टाइम पर हमारे अनाज नहीं मिलता है। एक लॉकडाउन में था सब कोटा में लाता, भिन्ने में दो भिन्ने कोटा ने, एक भिन्ने में दिया हमारे शेष ने, ये सिखाते हमारे जी। क्या नाम आपका? धर्मवीर नाम है जी, फ्रांसिस का। जनाब ये बात हुई थी वहाँ पर। आपको कितने दिन का राशन नहीं मिला? हमारे को जैसे मान लीजिए कई भिन्ने राशन नहीं मिलता है, एक भिन्ने का राशन हमारे दिया करता है, जब कहता गूठे लगा दिए, गूठे करवा लेता है, फिर हमारे को अनाज देता है। माल बटर है, मशीन दे रखी मर्द हो रहा है, मशीन में गुट्ठा लग गया है, और जब माल लेकर है हर डिपो हर काड़ेदारक पटिया लेकर है, और पूरा माल देगा था, चीनी तेल गेहूँ डबल गेहूँ बट रखे कोरोना में, कोई शिकायत नहीं। सरप सरपंच बका गया यार, यार थारे राशन कार्ड कटवाओ भाई, अगर मैं राशन कार्ड कटवाऊँ और फिर डिपो होल्डर किस चीज़ का सुनूँ, मैंने तो फायदा इतना माल दे रहा कि सरपंच सारे नकली फर्जी से हवन यज्ञ व पौधारोपण के साथ हुई शैक्षणिक सत्र की शुरुआत। खरगुदा के मोजम नगर फरमाना में स्थित पैरामाउंट स्कूल ऑफ साइंस व गुरुकुल मचिंडू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सहित कई स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 की शुरुआत हवन यज्ञ व पौधारोपण के साथ की गई। इस मौके पर पैरामाउंट स्कूल ऑफ साइंस के डायरेक्टर संजीत फोगाट ने कहा कि हवन यज्ञ व पौधारोपण से पर्यावरण शुद्ध व संतुलित होता है, इसलिए विद्यालय में पौधारोपण व हवन यज्ञ से शुभ कार्यों से शुरुआत की जाती है। उधर दूसरी तरफ गुरुकुल मचिंडू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 1914 में बनी यज्ञशाला में हवन कर शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की गई। इस मौके पर प्राचार्य ज्योति मलिक ने कहा कि छात्रों को पहले दिन से ही अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि पिछला वर्ष कोरोना के कारण प्रभावित रहा है, इसलिए इस वर्ष छात्रों को शुरू से ही अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। क्लर्क, ड्राइवर व डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत कई पदों पर निकली भर्ती, जानिए आवेदन संबंधी पूरी जानकारी। 10वीं, 12वीं और डिग्री पास बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। चंडीगढ़ नगर निगम ने क्लर्क, स्टेशन फायर ऑफिसर, फायरमैन, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, ड्राइवर, SD, स्टेनोटाइपिस्ट, अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत कई पदों की भर्ती के लिए एक छोटी भर्ती अधिसूचना जारी की है। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करने की रुचि रखते हैं और पदों की सभी पात्रता से संबंधित उम्मीदवार 8 अप्रैल 2021 से आधिकारिक वेबसाइट या नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
चंडीगढ़ एम्स से आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई 2021 है। हालांकि आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 5 मई 2021 है। महत्वपूर्ण तिथियां, ऑनलाइन आवेदन की तिथि शुरू 8 अप्रैल 2021, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई 2021, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 5 मई 2021 है। आप सभी खरखुदा शहर वासियों को सूचित किया जाता है कि शहर खरखुदा का प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। जिस किसी भी व्यक्ति को कोई दावा व आपत्ति है तो वह दिनांक 22 मार्च 2021 से 5 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन पोर्टल www.pmsharyana.com पर तथा ऑफलाइन नगरपालिका खरखुदा के कार्यालय में मिल्कियत से संबंधित दस्तावेज सहित अपना दावा व आपत्ति जमा करवा सकता है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।